अभिमन्यु बच्चों को लेकर इंडिया आ रहा है, ये बात मेरी बेटी ने फोन करके बताई। पक्की खबर है का? हाँ बिल्कुल आ रहा है, स्टूडेंट को लेकर आ रहा है, पेरेंट्स से मिलेंगे, सब मिल जाएंगे, तू अच्छा हो जाएगा, विलन रह जाएगा तू। हाँ अरे छोटी सी बात थी, अभिमन्यु से जब उन लोगों की हालत खराब हुई तो तुमसे मदद मांगी थी उन लोगों ने, तुमने कर दिया, इधर ब्लास्ट उधर ब्लास्ट, जहाँ देखो ब्लास्ट ब्लास्ट, कितना लोगों की जान ले ली। वो स्कूल ओनर लोग भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा। अगर उन लोग सीबीआई के सामने जबान खोल दिया तो जानते हो क्या होगा, तो हार खेल खत्म। अगर हम अभिमन्यु को मार दे तो सारा प्रॉब्लम ही क्लोज। अभिमन्यु के जान पहचान के जितना लोग दुनिया में सबको उठा के लाओ। मलिक, सिंगापुर से आपके लिए कोई फोन है। हेलो, तुम एक ठो काम करो, सब स्टूडेंट्स को लेकर एयरपोर्ट के बाजू वाले गोदाम में आ जाओ। कौन हो तुम? अभिमन्यु, क्या हुआ? मेरा चाहे जो कुछ भी हो जाए यार, लेकिन तू यहाँ मत आना, बच्चों को यहाँ लेके मत आना, जल्दी से आ जाओ। विक्रम ठाकुर, स्टूडेंट्स कहाँ हैं? ये ना बताएगा बहुत गुस्से में है, कोई अकेले मिल ले तो जान ही ले लो कर। तू स्टूडेंट्स को छोड़ने की कीमत 300 करोड़ रुपए मांगा था ना, पेरेंट्स लोग दे दिए, वो पैसा मिलने के बाद तुमने स्टूडेंट्स लोग को मार दिया और हम गुस्से में तुमको मार दिया, तब वो 300 करोड़ रुपया सीक्रेटली शिफ्ट हो जाएगा हमारे अकाउंट में। स्टोरी फिनिश।
गद्दार, तूने कितने मासूमों को बॉम्ब रखकर उड़ाया, उसका हिसाब देना होगा। करोड़ों रुपए तूने मेरे नाम का सहारा लेकर कमाने की कोशिश की, उसका हिसाब देना होगा। हमारे देश से गद्दारी करने का तुझे हिसाब देना होगा। विक्रम ठाकुर और अभिमन्यु के टकराव में विक्रम ठाकुर मारा गया। उसी वक्त अनफॉर्चुनेटली वहां एक भयानक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिससे उस वैन के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। सबसे दर्दनाक खबर तो यह है कि किडनैप किए हुए सारे बच्चे उसी में थे। अफसोस, अभिमन्यु बचकर निकल गया। हमारे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तुझे तेरा स्वाद हासिल नहीं हुआ तो तूने हमारे बच्चों की बलि दे दी। तुझे हमसे पैसे चाहिए थे ना? 100 करोड़ देता हूं मैं, मेरे बेटे को वापस जिंदा कर सकता है तू? तेरी तो यही शब्द सुनने का इंतजार कर रहा था मैं। क्या कहा तुमने? 100 करोड़ दोगे मुझे जो मर गए उन्हें जिंदा करने के लिए? अरे यही तो मेरा भी सवाल है। इस देश में फीस भरने की ताकत नहीं होने की वजह से कितने माँ बाप मर जाते हैं। चलो 100 करोड़ मैं देता हूँ, जो मर गए उन्हें तुम लौटा सकते हो क्या? जिंदगी गरीब की हो या अमीर की, सबकी कीमत होती है। अमीर का खून खून और गरीब का खून पानी। तुम लोगों के बच्चे चले गए ये सोचकर तुम लोग तड़प रहे हो, रो रहे हो। अब समझ में आया दर्द क्या होता है? समझ में आया कि आंसू की क्या कीमत है? आसमान में बैठकर जीते हो, जमीन पर आकर देखो तब पता चलेगा लाइफ क्या है और संघर्ष क्या है। पंद्रह मिनट के अंदर मैं नहीं आया तो राजू नाम का एक आदमी आएगा, तुम लोग उसके साथ चले जाना। ओके, टेक केयर। डैडी रुक जाइए। डैड, जैसा आप लोग सोचते हैं इन्होंने हमें पैसे के लिए किडनैप नहीं किया। आप सभी लोगों को इंसानियत का रास्ता दिखाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया। आज हम आपके सामने खड़े हैं तो ये इनकी वजह से। मेरे पापा इंडिया में बहुत बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इसलिए मुझे बहुत फक्र होता था, मगर आज मैं शर्मिंदा हूँ। वो विद्या का मंदिर नहीं, इट वॉज जस्ट बिजनेस। आप लोगों ने ढेर सारा पैसा खर्च करके हमें लंदन यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा, ये सोचकर हम बहुत प्राउड फील करते थे। लेकिन इंडिया में कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो फीस जमा करने के लिए भूखे रहते थे और उन्हीं पैसों से आपने हमें लंदन में पढ़ने भेजा। ये पता चलते हमें अपने आप से नफरत हो गई। पापा, आप लोगों के बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़कर डिग्री ले, ये सपना आप लोग देख सकते हैं, तो आप ही जरा सोचिए, एटलीस्ट 10वीं की पढ़ाई पूरी करने का क्या इन लोगों को हक नहीं है? पापा, इन गरीबों ने ऐसा क्या गुनाह किया है? पापा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लाना चाहिए ना। पढ़ाई कोई रेलवे स्टेशन का कंपार्टमेंट नहीं है, और हमारी धरोहर ने, कृष्णा और कुशन ने भी एक ही गुरु से शिक्षा ली थी, आपको याद है ना? लेकिन यहाँ देखो, जिसके पास पैसा है वो कॉन्वेंट और गरीब बच्चों के लिए कॉर्पोरेशन। पढ़ाई के बीच में अमीर गरीब की दीवार कैसे खड़ी हो गई? पापा,
जितना पैसा आपने अपने तिजोरी में भरकर रखा है ना, उसे गरीबों में बांट दीजिए, आपके थोड़े पाप धुल जाएंगे। अमीर गरीब का भेदभाव करने वाले आप हो। उन गरीबों पर जरा सा भी तरस खाते तो उन्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। गरीब बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने की तमन्ना रखे तो इसमें गलत क्या है बाबा? कितने लोगों ने अपना घर जमीन गिरवी रख कर हमारे स्कूल को डोनेशन दिया है, इसका अंदाजा कुछ है आपको? अभी तक आपने करोड़ों रुपए कमाए होंगे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया वही बहुत है। वो ऊपर बैठा भगवान गरीबों को तो कभी आशीर्वाद नहीं देता, लेकिन आप जैसे चोरों को भगवान आंख मूंद कर समझ में नहीं आता कैसे आशीर्वाद देता है। थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो गवर्नमेंट का साथ दीजिए, देश बदल जाएगा। आखिर में एक बात आपसे कहना चाहता हूं, पैदा करने वाले अच्छे हो या बुरे, बच्चों को उनके चरणों में स्वर्ग मिलता है, लेकिन आप लोगों ने तो जाने अनजाने में हमें भी आपके पापों का भागीदार बना दिया। अब अच्छा हो या बुरा फैसला आपके हाथ में है, हमारी आपको जरूरत है या नहीं यह आपको तय करना है। अभिमन्यु, तुम जीत गए बेटा। मैच्योरिटी कभी उम्र के साथ नहीं आती है, इसके लिए समझदारी चाहिए, और ये तुमने साबित कर दिया। अभिमन्यु, हमारे बच्चों की जुबान से तुमने हमें अच्छा सबक सिखा दिया। तुम्हारा सपना पूरा करके देश को हम सब मिलकर आगे ले जाएंगे। वी आर विद यू। सिर्फ इतना ही नहीं, इसे कैसे करना है, दिल्ली में किससे मिलना है, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है, ये सब मैं तुमको बताऊंगा। अभिमन्यु, आई प्रॉमिस यू, मेंबर्स को कन्विंस करने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके लिए जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। अंकल, इस काम के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं है, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स का सपोर्ट भी चाहिए। उसके लिए हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे और सर का सारा कॉन्सेप्ट हम लॉन्च कर देंगे, सारे इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे और बहुत सपोर्ट मिलेगा। ये बात जब प्रेसिडेंट तक पहुंचेगी तो 100% सक्सेस हो जाएगी। और इस वेबसाइट का नाम होगा फ्यूचर इंडिया। यस। प्राइवेट स्कूल को नेशनलाइज करने के लिए आज जोर शोर से मालिक और सरकार के सचिवों के बीच जोरदार बातचीत चल रही है, जिससे इंसानियत का दरवाजा खुलने की उम्मीद जागी। मिस्टर अभिमन्यु का इंट्रोड्यूस किया हुआ एजुकेशनल कॉन्सेप्ट फ्यूचर इंडिया के नाम से हम लोगों ने प्रेजेंट किया है, उसे पढ़कर पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स सपोर्ट करते हैं या नहीं ये हमें बताइए। एजुकेशनल मिनिस्टर सेक्रेटरी इस काम को पूरा करेंगे और हमारी हर तरह से मदद करने का उन्होंने प्रॉमिस किया है। सो आप सभी इसे कामयाब बनाइए। जय हिंद। हमें भी लड़ना है और सपोर्ट करना है। एक अकेला इंसान हम स्टूडेंट्स के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। चलो मेरे साथ। ये सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं भाई? कोई मंत्री एडमिट हुआ है क्या? अरे ये लोग अभिमन्यु को देखने जा रहे हैं भाई। ये क्या मेला लगा रखा है? ये लोग समझते हैं कि सिस्टम इतनी आसानी से बदल जाएगी। ये काम हर हाल में होकर ही रहेगा। हफ्ते भर में नेताओं को सबक सिखाएंगे। अपने अंदर विश्वास पैदा करो, तभी कामयाबी मिलेगी। गांधी जी आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, उन्होंने दांडी यात्रा की, और ठीक उसी तरह नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी जेल में बिता दी। ये बच्चे कल का भविष्य है और आज का तूफान है। आने वाले कल को एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए इनका साथ दो, कदम मिलाओ, कामयाब होगी।
भगवान हमेशा हमारे साथ है। जरूर बनूंगा, एक दिन मैं IAS जरूर बनूंगा।